हेलो एंड वेलकम टू टेली फ्लिक्स और मैं हूँ रुचि राय। टेली फ्लिक्स आपको बताने जा रहा है कि इस बार घर से कौन बाहर होगा। जी हाँ, इस बार वीकेंड के वार में घर से कौन बाहर हो सकता है, गेस कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैम है ना बताने के लिए, आपको गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, राहुल वैद्य जो हैं और क्या बोलते हैं शार्दुल पंडित, नैना, ये और इवन रूबीना, ये चारों हैं घर से बाहर जाने के लिस्ट में थे। लेकिन रूबीना को जैसे कि अभिनव ने टास्क जीत लिया और रूबीना सेफ हो गई, तो अब कितने लोग बचे? अब बचे तीन लोग, राहुल, नैना और शार्दुल। राहुल 101% घर के अंदर रहेंगे। अगर वोटिंग को मद्देनज़र रखा जाए तो वोटिंग के मामले में राहुल जो हैं वो अभी टॉप पे चल रहे हैं। राहुल को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं घर के अंदर रहने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर बिग बॉस लेते हैं कि वोटिंग के आधार पे रखा जाएगा, तो वोटिंग के आधार पे तो भाई फिर राहुल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, तो राहुल की तो जगह सेफ है। वो अभी आने वाले टाइम में घर में और दिखेंगे, तो इस लिहाज से तो राहुल घर के अंदर रहने वाले हैं। अगर कुछ नया, कुछ क्रिएट और ट्विस्ट नहीं किया गया तो हाँ, राहुल घर के अंदर बने रहेंगे। अब बचे दो कंटेस्टेंट, शार्दुल और नैना। शार्दुल और नैना ये तो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो एज ए ह्यूमन बींग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जो अच्छे हैं, लेकिन इनको अभी घर से निकालना बहुत जल्दबाजी होगी। क्यों? क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिला घर के अंदर रहने के लिए। अभी एक हफ्ता हुआ है इन दोनों को आए, एक साथ आए थे दोनों, और इन दोनों को टाइम नहीं मिला अभी खुलकर अपनी पर्सनालिटी दिखाने का, खुलकर खेलने का। तो जाहिर सी बात है, एक हफ्ते में आप किसी के बारे में इतना नहीं जान सकते, हम नहीं बता सकते कि शार्दुल और नैना किस तरह के हैं, बहुत अच्छा खेलने वाले हैं या बहुत बेकार खेलने वाले हैं, कि सिर्फ वो गुब्बारे में हवा भरने वाला टाइप है उनका गेम जो है, कि भाई दिखाओ तो बहुत कुछ, बातें करो तो बहुत कुछ, और काम के टाइम फुस हो जाओ। तो ऐसा है या वाकई शार्दुल और नैना बहुत स्ट्रांग है? नैना तो पहले भी एक रियलिटी शो जीत चुकी हैं। अब बात करते हैं शार्दुल की, तो शार्दुल किस तरह के इंसान हैं, वो किस तरह का गेम खेलेंगे? तो इसके लिए कम से कम उन अभी शार्दुल और नैना को, मैं दोनों को ही कहूँगी, शार्दुल और नैना को अभी घर में कम से कम एक दो वीक बने रहना चाहिए। बिग बॉस को सोचना चाहिए कि भाई कम से कम आप कंटेस्टेंट को, कुछ कंटेस्टेंट को कुछ वक्त तो दें जिससे उनके गेम के बारे में पता चले। भाई जब आप जान को फर्स्ट वीक से लेकर अभी तक चला रहे हैं, जो कि कुछ नहीं किए, जो सिर्फ कभी निकी के साथ, कभी जो अपने फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड जिसे कहते थे निशांत, जिसे उन्होंने खुद नॉमिनेट किया था, निशांत के साथ कि उनके कंधे पे बंदूक रखे, कभी पवित्रा तो कभी एजाज, मतलब जान ने हमेशा किसी ना किसी का दामन थामा ही है, वो पकड़ के अभी तक आए हैं। वोटिंग के मामले में भी जान सबसे पीछे रहे हैं, जान को बहुत कम वोट्स मिलते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो बिग बॉस के अंदर बने हुए, बिग बॉस चाहता है कि जान घर के अंदर और दिखें, घर के अंदर रहें, तो भाई ऐसे में तो शार्दुल को फेवर किया ही जा सकता है। शार्दुल और नैना को भी, मतलब एक मैं दोनों का नाम लूँगी, कि दोनों को एक साथ रखा जा सकता है, कुछ वीक्स देखा जा सकता है, एटलीस्ट वन वीक तो दोनों को देना ही चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए, ताकि हम दर्शकों को भी पता चले कि दोनों किस तरह के कंटेस्टेंट हैं, किस तरह का गेम खेलने वाले हैं, और इस टाइम आइडिया हो जाएगा। अगर दोनों का गेम अच्छा नहीं होता है तो डेफिनेटली जिसकी कम वोटिंग है वो घर से बाहर जाएगा, और अगर दोनों स्ट्रांग निकलते हैं तो जाहिर सी बात है जो हकदार होगा घर के अंदर रहेगा। तो इस बिहाफ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए शार्दुल और नैना को टाइम देना चाहिए। राहुल की जगह तो एकदम फिक्स है, वो तो कहीं नहीं जाने वाले, वो एंटरटेन भी करते हैं और वोटिंग के मामले में भी वो सबसे आगे हैं। हाँ, जान की जैसे हमने बात की कि बिग बॉस ने अभी तक उनको फेवर किया है, अब जाकर मतलब एक फरिश्ते और जो शैतान वाला टास्क है उसके अंदर अब जाकर लग रहा है कि जान इतने टाइम बाद सोकर उठ गए हैं। हाँ, और उनको फिर अचानक है, अरे मैं तो खेलने आया हूँ यहाँ पे, मुझे तो गेम भी खेलना है, तो चलो अब चलो जब जागो तभी सवेरा। उनके केस में तो यही लग रहा है कि जान अब जागे हैं और अब कुछ खेलने की नई तैयारी कर रहे हैं, तभी उन्होंने कबूत में अंदर हाथ डाला, और अब जिस तरह एजाज उनको आने वाले टाइम में जो भी इस टास्क के दौरान जो ऑर्डर देने वाले हैं, जो बात कहने वाले हैं, उसको कितना पूरा करेंगे। अगर जान पूरा करेंगे तो डेफिनेटली वो अब लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर सकते हैं। अब वो देख सकते हैं कि वो ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, अभी तक तो वो कुछ नहीं करते हैं, और ना ही अभी तक उनको देख के लगा है वो कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बना है शुरू से लेकर अभी तक इस घर के अंदर खाम खा का फोकस ले रहे हैं, खाम खा के एक कंटेस्टेंट जो जैसे कविता निकाल दी गई, बड़ी जल्दी ही निकल गई, तो ऐसे ऐसे लोगों की को जल्दी से निकाला जा रहा है और जान को रखा जा रहा है।
तो मतलब अब देखते हैं ये टास्क में शैतान और फरिश्ते वाले टास्क में जान क्या कुछ नया कमाल दिखाते हैं। कमाल दिखाते हैं तो भाई फिर तो बंदे को रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिखाते हैं तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। खैर अगर आपने, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपने जान को अब तक चलाया है तो एटलीस्ट इन दोनों कंटेस्टेंट मतलब शार्दुल और नैना को भी आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक दो हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों कंटेस्टेंट स्पेशली शार्दुल किस तरह का गेम खेल रहे हैं। तो फिलहाल ये तो खुश हो जाइए कि आप राहुल कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो उन पे जो तलवार लटक रही है वो कोई तलवार लटक नहीं रही है, वो बचे हुए हैं। और क्या कुछ होगा ये टेलीफ्लिक्स आपको सबसे पहले दिखाइएगा। आप अपना ख्याल रखिए और क्या कीजिए, सबसे पहले हमारे शो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और यस सही पकड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें हमेशा यूं ही अपने कमेंट के ज़रिए ढेर सारा प्यार देते रहिए ताकि आपकी हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती रहे। और इंटरटेनमेंट के लिए तो हम हैं ही, आपको इंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।